नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। बीजेपी के महामंत्री बीएल संतोष आज लखनऊ दौरे पर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बीएल संतोष दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान महामंत्री पार्टी के अभियानों और कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही संगठनात्मक बैठक भी करेंगे। वहीं इस बैठक में पार्टी का 2024 को लेकर नई रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम में राधा मोहन सिंह, भूपेंद्र सिंह चौधरी, धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, बीजेपी के महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ पहुंच चुके हैं, संगठनात्मक बैठक करेंगे। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी मयूरी, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के बीएल संतोष आज एक अहम बैठक होने वाली है। आपको बताया कि दिल्ली दरबार से बीएल संतोष आज राजधानी लखनऊ के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे हैं, जहां वो उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव है, साथ ही साथ 2024 के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं आपने पूर्व में देखा कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भारतीय जनता पार्टी के हर एक प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ बैठकर और 2024 और निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाना शुरू किए। उसी क्रम में दिल्ली दरबार से बीएल संतोष की अध्यक्षता में आज बैठक रखी गई है। इस बैठक में बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, वही बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, वही अगर बात की जाए अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी, और साथ ही आपकी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो 7 अहम प्रकोष्ठ है, इन सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष मौजूद होंगे। इससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास पूर्व में लोगों पर रहा है उसको और बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ हम कहीं ना कहीं देखे तो 2022 के चुनाव में विधानसभा सीटों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सीट थी उसमें गिरावट देखने को मिली, तो उसको देखते हुए बीजेपी अभी से कहीं ना कहीं मजबूती के साथ लगी हुई है। वहीं अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के 6 एमएलसी सीटें रिक्त होने वाली है, रिक्त है, उस पर भी चुनाव होना है, तो उस पर नामों को लेकर भी मंथन हो सकता है मयूरी। और साथ ही साथ कैसे हम देखने वाली बात ये होगी कि जहां ओबीसी आरक्षण के बगैर कोर्ट के आदेश के बाद जो प्रदेश सरकार है वो इस ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, तो उससे ये भी माना जा रहा है कि निकाय चुनाव को कैसे रणनीति के साथ लड़े और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव को करे। और आपको बताएं कि 12 बजे से यानी कि बैठक शुरू हो गई है और लगभग माना ये जा रहा है कि 4 बजे तक बैठक चलेगी। इसमें सभी प्रकोष्ठों के जो अध्यक्ष है वो अपनी बात रखेंगे और साथ ही दिल्ली दरबार की तरफ से बीएल संतोष आए हैं जो अपने चुनाव को बेहतर बनाने के लिए बीजेपी के लिए दिशा निर्देश देंगे। जी, ये इस बैठक में कौन कौन लोग मौजूद हैं और क्या अहम रणनीति बन सकती है? जी, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, साथ ही साथ राधा मोहन सिंह, वही अगर बात की जाए तो अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री धर्मपाल सिंह, ये सब और सहित जो भारतीय जनता पार्टी के 7 प्रकोष्ठ है मयूरी, उसके सभी अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। बात की जाए तो इस बैठक से साफ तौर से अगर देखें तो आज निकाय चुनाव और 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा सकती है। और वही अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शिरकत कर सकते हैं। अगर वो व्यस्त कहीं जो उनके शेड्यूल है उसमें कहीं भी अगर उन्हें एक रिलीफ मिलता है तो इस बैठक में शिरकत होगी, वरना ये बैठक में कल शिरकत होगी। बीएल संतोष अपने उत्तर प्रदेश दौरे पे आए हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ की भी पक्ष को सुनेंगे और जो निकाय चुनाव है 2024 चुनाव है उसको लेकर रणनीति तैयार करेंगे कि आखिर जो दिल्ली दरबार है वो किस रणनीति के तहत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहता है और कैसे विजय दिलाना चाहता है। वही अगर बात की जाए कि जो उत्तर प्रदेश की एमएलसी की 6 रिक्त सीटें हैं उस पर भी नामों की चर्चा की जा सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 22 नाम अभी बात की जाए तो 22 नाम सुर्खियों में है, 22 नाम की चर्चाएं हैं, उसमें से किसी 6 नेता को एमएलसी बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। जी, धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए।
सपा नेता आजम खान के दो जन प्रमाण पत्र मामले में आज कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस मामले में आजम खान पर आकाश हनी सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया था और इस मुकदमे की MP MLA कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, सपा नेता आजम खान के दो जन प्रमाण पत्र मामले में आज एक बार फिर से सुनवाई होगी, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी, मैं भी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ते हुए नजर आ रही है। आपको बताया कि उनके दो जगह वोटर लिस्ट में नाम को जो मामला था, जो अपने चुनावी हलफनामा में पकड़ आया था, उसमें तत्कालीन जो मैं आपके रामपुर के विधायक है उनकी तरफ से इसकी सुनो है इस मामले की जांच की मांग की गई थी। अब ये मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ लिया है और पूर्व में भी इसको लेकर सियासी घमासान होता रहा है। आज इस मामले को लेकर सुनवाई है। देखने वाली बात ये होगी कि जहां आजम खान 2017 से 2022 की सरकार में लगभग दर्जनों मुकदमे उनके ऊपर हुए, चाहे बात की जाए तो पकड़े चोरी से लेकर किताब चोरी, पेंसिल चोरी एवं तमाम धाराएं लगाकर उन्हें जेल में रखा गया और लंबे अवसे वो सीतापुर जेल में रहे। अब कहीं ना कहीं उसकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि चुनावी हलफनामों में कहीं ना कहीं वो दो जगह के वोटर थे जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो गलत है। इसको वहां के विधायक जो तत्कालीन उप चुनाव जीते हैं उनकी तरफ से इस मामले की जब संज्ञान में लेते हुए उन्होंने इस बात इसकी सूचना दर्ज कराई, जिसके बाद ये मामला MP MLA कोर्ट में लिया गया। अब आपको बताया कि आज MP MLA कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर सकता है, आज इसकी तारीख है। देखने वाली बात ये होगी कि MP MLA कोर्ट क्या इस पर अपना रुख देता है। पूर्व में अगर बात की जाए मेरी, तो आपने देखा कि अपने बयानों के चलते अपनी विधायकी गंवाने वाले आजम खान कहीं ना कहीं एक बार फिर मुश्किलों के जो चक्र है उसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि माननीय कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। जी, तो विवांशु, आजम खान के दो जन प्रमाण पत्र मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होगी और लगातार आजम खान की देखें तो मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, तो क्या अंदेशा लगाया जाए कि मुश्किलें और बढ़ेंगी या आजम खान को राहत मिल सकती है? जी, आपको बताया मिलेगी कि आजम खान अपने जो चुनावी हलफनामा है उसमें दो जगह दो डेट ऑफ बर्थ रखे और दो बर्थ सर्टिफिकेट का पूर्व में प्रयोग कर चुके हैं, जिसका मामला आज सुनवाई होना है। तो अब ये कोर्ट के हाथों में है कि वो किस तरफ के जो तमाम सबूत होंगे, तमाम दलीलें होंगे, उसको एक तरफ रखेगा, अपने जो न्याय का तराजू है उस पर रखकर दोनों दलीलों को तोलेगा और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस मामले में जो स्थानीय विधायक है फिलहाल रामपुर के, उनकी तरफ से पूर्व में भी शिकायत की गई थी और एक बार फिर वो सुर्खियों में है क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसे प्रावधान है कि जो दो जन प्रमाण पत्र लगाकर और चुनावी हलफनामा नहीं लगा सकता है, जिसको आजम खान की ये जो शैतानी थी वो पकड़ में आ गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि माननीय कोर्ट इस पर क्या अपना रुख देता है। जी जी, धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। प्रमाण पत्र मामले में आज कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई की जाएगी। बता दें इस मामले में आजम खान पर आकाश हनी सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया था और इसी मुकदमे की MP MLA कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लगातार आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आजम खान की मुश्किलें और बढ़ेंगी या उन्हें कोर्ट की तरफ से राहत मिल सकती है।
आज नोटबंदी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सुरक्षित रखा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्लीन चिट देते हुए कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। फैसले को पलटा नहीं जा सकता सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बता दें नोटबंदी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की नोटबंदी के फैसले को सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सुरक्षित रखा है। बता दें नोटबंदी पर केंद्र सरकार का फैसला सही बताया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज की हैं। नोटबंदी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नोटबंदी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। बता दें केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अचानक देश में नोटबंदी लागू की थी, जिसके तहत 1,500 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था। इस फैसले के बाद पूरे देश को नोट बदलवाने के लिए लाइनों में लगना पड़ा था। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिस पर 2 जनवरी यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के 2016 में 500 रुपए और 1,000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता। इससे पहले जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 5 दिन की बहस के बाद 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। फैसला सुनाने वाले बेंच में जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस वी आर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस बी पी नागरत्ना शामिल हैं। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने कहा नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई कमी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी से पहले केंद्र और आरबीआई के बीच सलाह मशवरा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नोटबंदी का फैसला लेते समय अपनाई गई प्रक्रिया में कोई कमी नहीं थी, इसलिए इस अधिसूचना को रद्द करने की कोई जरूरत नहीं है। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2016 में 500 रुपए और 1,000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है। इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव हमसे जुड़ चुके हैं। गौरव, नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सुरक्षित रखा है, क्या कुछ नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है? फिलहाल सुरक्षित रखा तो नहीं, यहाँ पर फैसला आया 7 दिसंबर को, इसकी सुनवाई हो रही थी और लगातार 5 दिन सुनवाई के बाद यहाँ पर 7 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। और जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता में ये बेंच काम कर रही थी, उसका फैसला
याचिका नंबर 53 याचिका इस पर उस पर काम कर रही थी। याचिकाओं के माध्यम से यहाँ पर फैसला भी दिया है कि केंद्र सरकार का फैसला था नोटबंदी को लेकर वो सही था, बेहिसाब धन और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए केंद्र सरकार का अहम फैसला था। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई थी, इसको लेकर लोगों को लाइन में लगने को लेकर और तमाम उसमें मृत्यु भी हो गई थी। खड़े खड़े इसको लेकर 53 से ज्यादा याचिकाएं वहां पर थी, जहां पर हाईकोर्ट के ऊपर भी गया था मामला, उसका सुप्रीम कोर्ट ये मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट में अब्दुल नजीर, जस्टिस अब्दुल नजीर और उसके साथ साथ जस्टिस एस बोपन्ना, जस्टिस पी आर गवाई, जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस रामा सुब्रमण्यम की 5 जजों की पीठ ने यह फैसला यहाँ पर सुनाया और ये कहा बताया है कि जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का और जो केंद्र का ये फैसला था वो सही है और आर्थिक स्थिति पर जो व्यवस्थाएं होती है उसके लिए सरकार समय समय से फैसला ले सकती है। और जो आरबीआई ने भी इसमें हवाला दिए थे, कहा था कि जिस तरह से व्यवस्थाएं है, जिस तरह से चीजें हैं उसमें समय समय पर केंद्र सरकार फैसला ले सकती है। और नोटबंदी के बाद सबको यहाँ पर लाइन में लगने की व्यवस्था भी दी गई थी और वहां पर कोई हताहत करने की व्यवस्था नहीं है, कोई नुकसान हुआ हो और अगर मृत्यु भी हुई है तो मृत्यु का भी एक कारण रहा है या वो खुद से कई बीमारियों से ग्रस्त थे, केवल लाइन में लगने से वहां पर लोगों की मृत्यु नहीं हुई। गौरव, नोटबंदी के खिलाफ जो 58 याचिकाएं थी उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, वहीं ये भी कहा है कि नोटबंदी की जो प्रक्रिया थी वो सही तरीके से की गई है। देखिए हाईकोर्ट में मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और जब तक फैसला नहीं आता है तब तमाम तरह चलता है। फैसला को यही बताया जाता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला होता है 5 जजों के अधिकतर वाले जज फैसला लेती है तो फैसला सोच समझ के लेती है, तर्क वितर्क अलग हो सकते हैं पर जब फैसले की बात आती है तो फैसला यहाँ पर ले लिया जाता है। 7 दिसंबर को फैसला यहाँ पर ले लिया गया था और सुरक्षित रख लिया गया, इस बार फैसला दिया गया है। धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। अब तक के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।